नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई कि केन विलियमसन जो है कैसे आ सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में। जी हाँ दोस्तों, भाई जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो महेंद्र सिंह धोनी है उनका हो सकता है भाई तो ये IPL 2021 जो रहेगा वो आखिरी IPL रहेगा। तो ऐसे में भाई अगर महेंद्र सिंह धोनी लेते हैं रिटायरमेंट IPL 21 के बाद, तो भाई उनको एक टीम में ऐसा चाहिए रहेगा बल्लेबाज, ऐसा चाहिए रहेगा भाई कप्तान जो कि भाई एकदम उनकी तरह कूल रह के कप्तानी कर सके और टीम की कमान को भाई संभाल सके और भाई एक तरफा जो है मैच को पलटने में कामयाब रहे। तो दोस्तों ऐसे में भाई केन विलियमसन जो उसी शैली के बल्लेबाज हैं, उसी शैली के भाई कप्तान हैं। अगर बात करें केन विलियमसन की तो भाई उनकी कप्तानी काफ़ी अच्छी रहती है, वो भी भाई एकदम कूल रहते हैं और भाई उनकी बैटिंग तो एकदम लाजवाब है। IPL में भी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं और सबको जो है उन्होंने इम्प्रेस किया है। और दोस्तों भाई IPL 21 में जो मेगा ऑक्शन होने वाला है तो भाई ऐसे में केन विलियमसन हो जाएंगे रिलीज़, और भाई रिलीज़ क्यों होंगे ये भी हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों भाई हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। और भाई आप अगर सबसे बड़े फ़ैन हैं महेंद्र सिंह धोनी के भाई तो पूछने वाली बात तो है ही नहीं। और भाई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो आपकी फेवरेट है, सपोर्ट करते हैं आप इस टीम को, तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको जो रोज़ाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हुई और भाई IPL से जुड़ी हुई। तो दोस्तों भाई जैसे कि हमने देखा IPL 2020 में जो रैना है वो हो गया था चेन्नई सुपर किंग्स के टीम से बाहर। और भाई जो रैना है मिस्टर IPL कहलाते हैं, उनका जो रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा रहा है IPL में। और भाई जब वो बाहर हो गया तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है पूरी कमज़ोर नज़र आए अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि भाई रैना जो है पारी को संभालते हैं, संवारते हैं और भाई एक तरफा जो है मैच को जिताते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से। लेकिन भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है उनको रिस्पेक्ट करते हुए उनके रिप्लेसमेंट का जो है अनाउंसमेंट नहीं किया था IPL 2020 में। और दोस्तों शायद यही भाई जो है उनको पड़ गया भारी, क्योंकि भाई चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है इतिहास रहा भाई IPL का कि पहली बार वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई है इस IPL में। तो दोस्तों भाई ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है कमज़ोर नज़र आई हमें इस IPL 2020 में। और भाई महेंद्र सिंह धोनी जो है उनके भी परफॉर्मेंस पर सवाल उठने लगे कि क्या महेंद्र सिंह धोनी जो है IPL 21 खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो उस पर भाई महेंद्र सिंह धोनी ने कमेंट करते हुए तुरंत ही बोल दिया था, जैसे हमने देखा था लास्ट मैच में पंजाब के खिलाफ उन्होंने भाई आंसर देते हुए कहा था डेफिनेटली नॉट, यानी कि भाई वो IPL 2021 खेलेंगे। तो अब दोस्तों भाई सवाल उठ रहा है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी जो है IPL 21 उनका लास्ट सीजन रहेगा या फिर भाई वो आगे कंटिन्यू करेंगे IPL से। लेकिन दोस्तों हम बात करते भाई इस वीडियो में कि भाई कैसे आ सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में केन विलियमसन। दोस्तों भाई धोनी के बाद जो है टीम को एक ऐसा कप्तान चाहिए रहेगा जो कि भाई उनकी तरह ही कूल हो, कंसिस्टेंट हो और भाई अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। अब दोस्तों बात करते हैं भाई केन विलियमसन की, तो उसी शैली के भाई ये कप्तान हैं और बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और भाई अपनी टीम को जो बखूबी ये साथ लेके चलते हैं। तो अब दोस्तों बात करते भाई ये रिलीज़ क्यों होंगे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से, क्योंकि भाई जैसे कि जो IPL में रिलीज़ और रिटेन खिलाड़ियों की जो लिस्ट है उसके मुताबिक अगर हम बात करें कि जो रूल आया है रिटेन करने का, उसमें आप रिटेन कर सकते हैं किसी 5 खिलाड़ी को जिनमें से रहेंगे भाई 2 ओवरसीज़ और 3 इंडियन प्लेयर। दोस्तों ऐसे में भाई 2 ओवरसीज़ यानी हम बात करें हैदराबाद की तरफ से तो भाई रहेंगे पहले नंबर पर डेविड वार्नर जो कि टीम के कप्तान हैं, और भाई दूसरे नंबर पे आ सकते हैं राशिद खान या फिर केन विलियमसन। लेकिन दोस्तों भाई अगर हैदराबाद की टीम की तरफ से माने तो भाई राशिद खान की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि भाई राशिद खान एक ऐसे गेंदबाज है, उन्होंने अपना रेपुटेशन ऐसा बनाया है कि उनके सामने भाई कोई भी बैट्समैन जो शॉट खेलने से पहले 2-3 बार सोचता है कि इनको शॉट खेलूँ कि नहीं खेलूँ, क्योंकि भाई राशिद खान का इतना अच्छा रेपुटेशन बन गया, इतने धाकड़ गेंदबाज हैं। और बात करें भाई हैदराबाद की टीम की तरफ से उनके स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में आते हैं और भाई जब भी विकेट चाहिए रहेगा तो राशिद खान जो है विकेट तुरंत निकाल के देते हैं। तो ऐसे में अगर बात करूँ भाई इंपॉर्टेंस की तो राशिद खान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी हैदराबाद की टीम IPL 21 के ऑक्शन में। तो भाई ऐसे में जो रिलीज़ होने के लिस्ट में अगर नाम बोलूँ तो आ सकता है भाई केन विलियमसन का। तो अगर केन विलियमसन रिलीज़ होते तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स को टारगेट करना चाहिए इनको, क्योंकि भाई अगर ये आ जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी मजबूती देंगे। और भाई जैसे कि रैना ने प्रैक्टिस चालू कर दी है और उन्होंने कहा है कि मैं IPL 21 खेलूँगा, तो भाई हमें चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एक बार फिर जो है रैना IPL खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि भाई रिटेन की लिस्ट में रैना का नाम आ सकता है अगर रैना अवेलेबल रहेंगे IPL 21 में। तो अब दोस्तों आपका क्या कहना है भाई इसके बारे में, क्या केन विलियमसन को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों भाई इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई सबसे बड़े फैन हैं आप चेन्नई सुपर किंग्स के और भाई सपोर्ट करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना भाई आपके फेवरेट खिलाड़ी है, तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको जो रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।